राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वर्ष 2023 में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन आज तक इस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली। उसी को लेकर आज सैकड़ों अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं और इनका साफ यही कहना है कि इनका जो मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ है उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से मजबूत पैरवी की जाए। आज इन्होंने बोर्ड अध्यक्ष से भी मुलाकात की है, साथ में बोर्ड सचिव से भी मुलाकात की है। कुछ अभ्यर्थियों से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आपने आपकी इस भर्ती में नियुक्ति को लेकर बोर्ड अध्यक्ष और बोर्ड सचिव से मुलाकात की है, आखिर क्या पूरा मामला है, कब तक आपको इसमें नियुक्ति मिलेगी? देखिए, जो 21 साल से कम उम्र के जो युवा है जो इसमें सेलेक्ट हो गए हैं डीवी के लिए, उनके खिलाफ अनसेलेक्टेड ने अपील की हुई है, तो कोर्ट ने फाइनल नियुक्ति पर रिजल्ट पर स्टे लगाया हुआ है कि अभी इनको नियुक्ति ना दी जाए। और इस चक्कर में सिर्फ और सिर्फ जो सेलेक्टेड युवा है उनका सर्विस टेन्योर खराब हो रहा है, उनका भविष्य गर्त में जा रहा है, ना उनको नियुक्ति दी जा रही है, ना उनको फाइनल रिजल्ट दिया जा रहा है। उसी की पैरवी के लिए, उसी का ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन वही बात बोली जा रही है जो बोलते हैं कि आप बता दीजिए हमें क्या करना है। अरे भाई, हमें अगर लीगल न्यूज़ पता होती, लीगल टर्म्स पता होती, हम यहाँ क्यों आते? सीधे कोर्ट में जाते। हम तो बोर्ड को जानते हैं, डीटीए को जानते हैं कि आप हमारी पैरवी करवाइए मजबूती से। 2021 के बोर्ड के कैलेंडर में यह भर्ती शामिल थी, आज 2 वर्ष करीब 11 महीने हो चुके हैं, क्या बोर्ड की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है? बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर किसी को कोर्ट में जाने का अधिकार है, जैसे कि यूपीएससी एसएससी उनके खिलाफ नहीं है, वहाँ टाइमली पूरी हो जाती है। एक तरह से ये भी कोई एक लूप होल ही है जिस वजह से भर्तियां अटक जाया करती है। तो पहले तो इस पर काम हो, लेकिन उससे पहले हमारा स्टे हटाया जाए, क्योंकि हम लेखा कार्मिक है, तो हम सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, हमें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। और यहाँ पॉलिटिक्स कहाँ से? मैं सर सवाई माधोपुर से आया हूँ बेसिकली, पर मैं रहता यहीं पास में हूँ, तो आज जल्दी आ गया था थोड़ा। सर, आज बोर्ड अध्यक्ष और बोर्ड सचिव से मुलाकात हुई है, 2 वर्ष 11 महीने आपकी इस भर्ती को नियुक्ति नहीं मिली, किन पीड़ाओं से गुजरना पड़ा? सर, सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है, बेरोजगारी। और आज जैसे सबसे पहले बोर्ड सचिव साहब आए तो उन्होंने यही बोला कि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगभग 2 वर्ष 11 माह इतने दिनों में तो संविधान बन गया था, लेकिन ये एक भर्ती पूरी नहीं करा पा रहे हैं, तो ये इनका एक ढीला रवैया है। उसके बाद बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी भी आए, उन्होंने ये बोला है कि मेरे को बताओ करना क्या है। अब इनको खुद को यही नहीं पता थोड़ी है कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फिर फरवरी से ये याचिका है कोर्ट में, तो तब से जब भी सुनवाई हुई है 3-4 बार, तो बोर्ड का जो वकील है DHEC या तो जाता नहीं है या कोर्ट की तरफ से तारीख मिल जाती है, तो तारीख पे तारीख वाला मामला चल रहा है और फाइनल रिजल्ट पे स्टे है, जिसका कारण है ये खुद कर्मचारी चयन बोर्ड की लापरवाही है। जैसे 21 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और 18 साल से 21 साल वाले बच्चे इसमें शामिल है जिनको नहीं होना चाहिए था, ये इश्यू है। सर, आपने पहले CET परीक्षा दी, उसके बाद इस अकाउंटेंट भर्ती में आपने परीक्षा दी, लेकिन आज तक आपको इसकी नियुक्ति नहीं मिली है, कौन सी ऐसी पीड़ाएं हैं जिनसे आपको? अब देखो सर, इस भर्ती को 3 साल हो गए, पहले पूर्ववर्ती सरकार देखी, फिर विधानसभा का आचार संहिता देखी, फिर उसके कारण एग्जाम आगे डेट किसकी, उसके बाद लोकसभा आचार संहिता के कारण जून में रिजल्ट आया, फिर बोरडोर जो डिपार्टमेंट है उसको समन्वय नहीं बनने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट लेट हुआ, उसके बाद फाइनलिस्ट है। बोर्ड सचिव बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात, आज हमने बोर्ड सचिव और बोर्ड अध्यक्ष साहब ने हमारा पक्ष सुना है, उन्हें आश्वासन दिया है कि हम 28 नवंबर को मजबूत पैरवी करेंगे। प्रदेश भर से यहाँ पर युवा अपनी मांग को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर आए हैं और इन्होंने बोर्ड सचिव और बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है। आज आपकी बोर्ड सचिव और बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, करीब 2 साल 11 महीने बाद भी आपको नियुक्ति नहीं मिली है, आखिर किन पीड़ाओं से गुजरना? माननीय बोर्ड अध्यक्ष और सचिव जी से आज मुलाकात हुई है, कम से कम 400 किलोमीटर से सूरतगढ़ गंगानगर से लोक प्रश्न चलकर आए हैं, और इसमें विद्यार्थियों के मतलब मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि 5,000 लेंगे 10,000 पास कर रखे हैं, तो जो 5,000 युवा हैं जो मतलब जो जिनका नंबर नहीं आएगा वो इंतजार करें आएगा नहीं आएगा, उस चक्कर के अंदर वो बहुत मानसिक रूप से परेशान हो रखे हैं। और इसके अंदर ये वित्त विभाग भी मतलब बहुत देरी कर रहा है, इसके अंदर DV करने पे 45 दिन की गाइडलाइन है, जबकि आज 70 दिन हो रखे हैं और बोले दिसंबर एंड तक आएगी, तो इसमें माननीय नगरी मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, आप हस्तक्षेप करें और वित्त विभाग को पाबंद करें कि जल्दी से जल्दी DV रिपोर्ट बोर्ड को सौंपे, और बोर्ड अच्छे कार्य कर रहा है लेकिन बोर्ड अभी नवाचारों में लगा है, तो नवाचारों के चक्कर में वैकेंसी लेट हो रही है। हरिप्रसाद जी शर्मा जब पूरे अध्यक्ष थे उनके समय वैकेंसी जल्दी पूरी होती थी, और वो हर वैकेंसी के पहले वो खुद IPS सर्विस थे तो KVAT लगा देते, अब माननीय नए अध्यक्ष आए इनको KVAT के बारे में थोड़ी जानकारी या तो अधूरी होगी या पता नहीं होगा शुरू में, तो इस कारण इस वैकेंसी अटकी हुई है कोर्ट में।
आज बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात हुई, आपने बोला कि आने वाली तारीख में मजबूत पैरवी की जाए, क्या बोर्ड अध्यक्ष ने आपको कोई सकारात्मक आश्वासन दिया आने वाली तारीख? हाँ, आज बोर्ड अध्यक्ष आलोक राजी ने सकारात्मक आश्वासन दिया और इन्होंने बोला कि यदि मेरी तबीयत नहीं गड़बड़ होगी तो मैं अटैच को कोर्ट में जाऊंगा। तो मैं आपके माध्यम से आलोक राजी से भी अनुरोध करता हूँ, माने नहीं आप, निवेदन है आपसे, डबल एजी के साथ आप जाएं और सबूत लेकर जाएं और डबल एजी से युवाओं की मीटिंग करें, इनके पास सारे सबूत हैं कि मतलब क्या कारण से वैकेंसी अटकी हुई है। और पिछली बार भी डबल एजी ने कोई जवाब नहीं दिया था, इस कारण 4 तारीख को सुनवाई के सिर्फ 5 मिनट के अंदर सुनवाई कैंसिल हो गई थी। इसलिए आलोक राजी का आज रवैया बहुत अच्छा था और इनसे निवेदन करते हैं आप अटैच को स्वयं कोर्ट में जाएं और वहां पर अच्छी पैरवी करवाएं डबल एजी से। देखिए तमाम ये वो युवा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कनिष्ठ लेखाकार भर्ती से जुड़े हुए हैं और आज इन्होंने बोर्ड सचिव और बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है। मामला यही है कि जो आने वाली हाई कोर्ट की तारीख में इनकी बोर्ड की तरफ से मजबूत पैरवी की जाए। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।